हाँ जी बेटा, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम इन फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, बिकॉज वी हैव डन द बेसिक क्राइटेरिया फॉर दैट, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज जो है 3.3, हमारी रिवीजन चल रही है एक्सरसाइज 3.3, ओके, and we have to start with the question number 6th. अब मैंने question number 6 से start करना है, ठीक है जी? नहीं आता कोई बात नहीं, समझो उसको, implement लिख के देखो, आपको समझ आए, ठीक है? तो मेरे पास जो है first question, जो है question number 6th है, cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y, ओके, माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, साइन जो है पाई बाय 4 माइनस जो है वाई, इसको देखते ही, ठीक है, क्या माइंड में आता है आपके? वेरी गुड, कि अगर मैं देखूं, लिख लो फॉर्मूला, अगर आपको नहीं पता चलता, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसके इक्वल होता है? कॉस ए प्लस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई? ए ये है और बी दिस वन, तो आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, जब मैंने लगाया पाई बाय 4 मीन 45, पाई बाय 4 का मतलब 45 प्लस 45 90, कॉस 90 माइनस, मैंने कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई, अब ये तो हमने टेंथ में भी किया है, कॉस हर जगह पे, क्योंकि आपको नहीं आते फॉर्मूले, घबराओ मत, हर जगह पे एक बार फॉर्मूला लिख लो, पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, थीटा मैंने इसको ट्रीट किया है, तो कॉस जो है 90 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा, मतलब साइन एक्स प्लस वाई, तो चेक कर लो, हमने प्रूफ भी नहीं करना था, समझ आई बेटा? ठीक है, क्लियर, चले बेटा आगे, चलो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 7, सबने कर लिया ना? काव्या डन, दिखाओ कॉपी, चलो दैट्स गुड, चलो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सारे ऑनलाइन बच्चे भी, सारे के सारे, सारे बच्चे करेंगे, ठीक है, मेरे पास हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स ओवर टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल प्रूव करना है मुझे? 1 प्लस टेन एक्स ओवर 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर, अरे टेन 45 प्लस एक्स देखा साथ में, मेरे माइंड में क्या आया? टेन 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला, पता किसी को टेन 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी ओवर 1 माइनस टेन ए, तो वहीं से ये ए है ये बी है, जब मैं जहां जहां टेन ए आएगा टेन 45 1 होता है ना, तो वहां 1 आ जाएगा, फॉर्मूला तो वही बनना है, तो मेरे पास चलो मैं टेन ए प्लस बी से चल पड़ती हूँ, आपको वो नहीं आता तो मैं उससे बता देती हूँ, टेन ए प्लस टेन बी ओवर 1 माइनस टेन ए टेन, ठीक है, अब 45 है यहाँ पर, यानी tan 45 प्लस थीटा, ठीक है, इसकी जगह लगाना है, तो tan जहां a 45 है वहां 1 लिख दो, 1 प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan b ओ थीटा, है मुश्किल कोई? यानी अगर प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अब लगाऊं तो लेट अस अप्लाई, अब मैं सीधा लगा सकती हूँ ना, टेन 45 प्लस थीटा का 1 प्लस टेन एक्स
ओवर वन माइनस टेन एक्स, ये ऊपर की जगह लगाया ना, अब नीचे क्या लगाना है, वन माइनस टेन एक्स ओवर वन प्लस टेन एक्स। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, जब मैंने रेसिप्रोकल किया वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स, ये वन प्लस टेन एक्स का स्क्वायर ओवर वन माइनस टेन एक्स का स्क्वायर, यही प्रूफ करना था ना। बात समझ आई बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को, चलें बेटा आगे, ठीक है, हो गया सबका, सबने कर लिया, करना है, अल्टीमेटली करना है, नहीं करोगे तो फिर वही प्रॉब्लम, ठीक है बेटा जी, समझ आ जाता है। एक बार जब आप हैंड से कर लेती हो ना, मुझे पता है दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, बट इजी इजी करके आगे हम टिपिकल लेवल में जाएंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए 8th क्वेश्चन, एंड व्हाट इज दैट, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स ओवर, मेरे पास हो गए दैट इज साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स, I have to prove this is equal to cot square x, मुझे प्रूफ करो। अब क्या करें, कौन बताएगा, चलो टर्न बाय टर्न, टर्न बाय टर्न चलते हैं, चलो अर्शदीप आपकी टर्न, सबसे पहले बेटा कैसे एक्सपैंड, पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला किया तो फर्स्ट डे मैंने कराया, इतना टिपिकल क्यों लगाना बेटा, मैं तेरे को बताते हूँ, बताओ आशुतोष क्या होता है, बिल्कुल माइनस, मैंने बताया हुआ है पाई आए या 360 आए, कॉस का कॉस ही रहता है, साइन का साइन ही, 90 और 270 में वो चेंज होता है, ठीक है, पाई था कोई चेंज नहीं, मैंने लगाया कॉस एक्स ही आना है, सिर्फ साइन चेक करना है, कॉस पाई प्लस थीटा किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड, और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना, तो मैंने माइनस लगा दिया, कॉस माइनस थीटा वेरी गुड ओवर, अब आओ साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में और कॉस 90 प्लस थीटा, देखो कॉस 90 आ गया तो कॉस लगा है तो हटा दो, नहीं लगा तो लगा दो, मैंने हटा दिया तो बचा साइन एक्स, यही बचा, लेकिन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ये माइनस लग गया, सबको बात समझ आई, अनूर कोई प्रॉब्लम, मैं फिर बताती हूँ, देखो मैंने बोला हुआ है यहां पर 90 या 270 हो तो जो आगे टी रेशियो लगी है ना, अगर उसके आगे सी लगा है, को लगा है हटा दो, नहीं लगा तो लगा दो, यहां कॉस लगा को लगा मैंने हटाया, साइन बचा ना, को साइन होता है ना, साइन लिख दिया, अब सिर्फ मैंने क्या देखना है, एंगल देखना, ओ नेगेटिव पॉजिटिव देखना, अब जब ये था 90 में कुछ एंगल ऐड हो रहा है, जब कुछ ऐड हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मैंने माइनस लगा, लेकिन अगर ये पाई या 2π हो तो कोई चेंज नहीं होता, साइन का साइन कॉज का कॉज, बस अब मैंने देखा नेगेटिव नेगेटिव कट गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, बस काम खत्म, समझ आई बात, क्लियर और नॉट, 100% क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चलें आगे, चलिए सिर्फ थोड़ा सा आपका अटेंशन देने की जरूरत है, मुश्किल नहीं है, मैं क्लियर कट
एनसीईआरटी को पानी की तरह रट लो, एक बार आपके माइंड में डेवलपमेंट हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर हम एक्स्ट्रा में जाए ना। आप इसी से घबरा रहे हो, वो करने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, नाइन्थ क्वेश्चन है, कॉस 3π/2 + x, कॉस 2π + x, चलो कॉट 3π/2 - x प्लस कॉट 2π + x, मुझे प्रूफ करना है दैट इज इक्वल्स टू 1। चलो कैसे करें, अब हम क्या करें? आशुतोष की टर्न होगी, हर्षनूर चल बेटा, हरनूर चल, कैसे करेंगे जल्दी बता। हाँ जी हाँ जी, तो कॉस का कॉस ही रहने दो, बिल्कुल साइन, और ये पहुंचा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होते हैं ना, बस तो ये साइन एक्स आएगा। ये क्यों कॉस का साइन बना? क्योंकि ये क्या है, 3π/2 क्या होता है, 270, और 270 में मेरे पास जो है आपको पता है कि हम साइन का कॉस कॉस का साइन करते हैं। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट में, बताओ। वेरी गुड, कॉस एक्स, क्योंकि 2π + θ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, और ये 2π था ना, 90 था ना 270 था, तो कोई चेंज नहीं, एज इट इज मैंने लिख दी। ओके चलो, अब और नूर बता बता इसका क्या करें, इन दोनों हर नूर को बता, उसको बताने दे। बिल्कुल, को हटा दिया, को टेंजेंट का को हटा दिया, तो टेंजेंट टेन एक्स, चेक करें कौन से क्वाड्रेंट में। अब देखो कॉट 270 - माइनस मतलब कि मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो बिल्कुल टेन एक्स पॉजिटिव है। अब आ जाओ प्लस, चल मेरा बेटा बताओ, बिल्कुल नहीं चेंज हो, बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, देखने की कोई जरूरत ही नहीं होती। अब बात समझ आई? ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, तो साइन एक्स कॉस एक्स, मेरे पास साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, एलसीएम लीजिए, मेरे पास ये एलसीएम लोगे साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स साइन एक्स साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, ये और ये कैंसल, कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, आंसर इज 1। ठीक है, समझ आई बेटा सबको? अब आपका होमवर्क है 10, 11 सम करना। ओके, दैट इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 यू हैव टू डू। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए लेट अस डू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे मेथड से कर सकते हो ये क्वेश्चन को, मैं आपको बिल्कुल इजी सीडी फॉर्मूला लगा के बताऊंगी जिससे आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास जो है, साइन स्क्वेयर 6x माइनस मेरे पास जो है साइन स्क्वेयर 4x दैट इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। ठीक है, करने को हमारे पास ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, अरे कितने का फॉर्मूले लर्न करें, मुश्किल होती है ना, तो हम सिंपली हम क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ए बिल्कुल ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी,
अब सीधी फॉर्मूला लगा दो। आपको याद है कल हमने किए थे s प्लस एस टू एस सी, एस माइनस एस टू सी एस, सी प्लस सी टू सी सी, सी माइनस सी माइनस टू एस एस, किया था कभी? मैंने भी तो ट्यूनिंग में लर्न किया हुआ है, आप भी कर सकते हो ना, ठीक है ना। तो अब s प्लस एस टू एस सी मैं लगाऊं यहां पर, टू साइन, बस इतना याद रखना है पहले वाले के साथ c प्लस डी बाय टू और दूसरे वाले के साथ c माइनस डी बाय टू, इंप्लीमेंट करें तो मेरे पास 6x प्लस 4x बाय टू cos 6x माइनस 4x बाय टू, लग गया बेटा। अब आगे क्या करेंगे, यहां पर अब यहां लगाना है ना, टू जो गए cos c प्लस डी बाय टू, एंगल तो उतना ही है ना, मैं सीधा 5x लगा रही हूं, 6 प्लस 4 10, 10 बाय टू 5 लगा दिया, साइन दिस माइनस दिस 2x बाय 2 x आया। अब इसमें भी अगले स्टेप में मैं 5x इसमें x, अब देखो मैं क्या करूंगी, मैंने रीअरेंज किया 2 साइन 5x cos 5x और 2 cos x sin x, इसको इकट्ठा कर लिया, इसको इकट्ठा कर, डबल एंगल का फॉर्मूला बना के ना कल हमने किया था, 2 sin x cos x sin 2 theta sin 2 theta, theta x ही है, ये बन गया sin 10x और ये बन गया sin 2x, यही प्रूफ करना, पता चला? मेरे को कैसे पता चला, मैंने प्रूफ देखा था, मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे 10 चाहिए था, मेरे पास 5 आ गया था, मैंने देखा मेरे पास 2 भी एक्स्ट्रा है, मेरे पास sin 5x है, मेरे पास cos x है ना, 5x है cos x है, हाँ जी, सेम सेम टर्म्स को मैंने रिकलेक्ट कर लिया, बात समझ आई बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्का पता चला कैसे सोचा हमने, चले आगे, काव्या क्लियर पक्का, चल नेक्स्ट मेरे पास, चलो अब अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। एनी प्रॉब्लम टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सबको क्लियर है? अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेट अस डू द 13th क्वेश्चन, cos square 2x माइनस cos square 6x दैट इज sin 4x sin 8x, चलो फटाफट करके दिखा दो सारे बच्चे, जल्दी जल्दी बी फास्ट बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए, लेट मी सी ऑन द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दोज हु आर डूइंग दे कैन शो मी ऑन द स्क्रीन, हरी अप, ऑफलाइन स्टूडेंट्स मुझे फटाफट कॉपीज चेक कराएंगे, जल्दी जल्दी, चिराग, श्रेया, अनमोल सिंह, जपन, मन्नत, फटाफट बेटा मुझे कॉपी दिखाइए, इफ एनी डाउट गुरसीरत, आप भी बेटा, हिमांशु, काव्या, रिद्धि, समृद्धि, ध्रुव, सोनिक, कल आए बेटा, आज छुट्टी कर ली, फिर ऑनलाइन में पहुंच गया, ध्रुव जल्दी जल्दी करके दिखाओ मुझे बेटा, डर डन, हाँ जी अरनूर करो करो जल्दी, अरनूर कौर,
जल्दी बेटा, शाबाश। काव्या हुआ कि नहीं बेटा? मैम फिर ये वाला ब्रैकेट अलग से सॉल्व करना है। हाँ साथ साथ चलती था ये, इसका हुआ। अब आगे इसका करो। हाँ लगाई जाओ, वो बाहर आ जाएगा। ये नेगेटिव अगर है ये बाहर आ जाएगा ना, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। देखो आपने कोई गलती किया, अंदर भी नेगेटिव होगा किसी के साथ। जब आपने दिस माइनस दिस किया, माइनस फोर एक्स नहीं आया, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लस नहीं हो जाएगा, है ना? ध्यान से। ओके रिद्धि डन, लेट मी सी। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट रिद्धि, 100% करेक्ट। ऑल ऑफ यू सी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिद्धि इज शोइंग द कॉपी, दैट मेथड इज 100% करेक्ट। मैच योर बेटा मेथड, वेदर यू हैव डन विद दिस मेथड, इफ एनी अदर मेथड एनी डाउट इज देयर यू कैन शो इट टू मी। देखते हैं। हाँ जी जपन ज्योत, जपन ज्योत सेकंड में नेगेटिव डाला है ना, मुझे यहाँ विजिबल नहीं हो रहा अच्छी तरह। वेदर यू हैव पुट द नेगेटिव साइन तभी वो पॉजिटिव हुआ, अदरवाइज ओके बेटा ओके। हाँ हाँ आप नेगेटिव साइन की जगह पे ई माइनस सी भी कर दे सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये आप पे डिपेंड करता है। यस काव्या ओके डन गुड। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15th, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 15th। चलिए बेटा अब देयर माइट बी सम क्वेश्चन जिनकी एक साइड से आंसर नहीं आता, हमें दोनों साइड्स को क्या करना पड़ता है, फिर प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है? एक साइड से आंसर नहीं आता तो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th बेटा। मेरे पास हो गए cot 4x sin 5x plus sin 3x is equals to, मेरे पास हो गए cot x into sin 5x माइनस साइन थ्री एक्स। चलो जल्दी करो काव्या, पिछला क्वेश्चन हो गया बेटा कि नहीं? जल्दी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी जल्दी करके मुझे दिखाइए फटाफट। हाँ जी चेक इट बेटा, ऑल ऑफ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन जल्दी। एनी प्रॉब्लम बेटा? हाँ जी बेटा डन, ऑफलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट? अनूर जल्दी करो जल्दी, पिछला क्वेश्चन हो गया था पूरा। अर्शदीप जल्दी करो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट टू एनीवन तो प्लीज आस्क मी जल्दी जल्दी। ओके हिमांशु डन वेरी गुड, बहुत दिनों बाद हिमांशु एक्टिव हुआ। चलो लेट अस सी हिमांशु कॉपी।
लेट अस सी लेफ्ट हैंड साइड किया आपने और ओके देन ऊपर कीजिए बेटा कॉपी को ऊपर कीजिए यस यस ओके वंशु दैट इज 100% करेक्ट देयर माइट बी सम क्वेश्चन मैंने आगे भी कहा था कि जिसमें बेटा हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स को क्या करते हैं दोनों साइड्स को हम सॉल्व करते हैं एक साइड से सॉल्व होने में क्वेश्चन नहीं होता पहले लेफ्ट हैंड साइड हो ओके कॉट को लिखो कॉज ओवर साइन देखो ध्यान से फिर यहां सी डी अप्लाई कर दो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू है ना एस प्लस एस टू एस सी तो मेरे पास टू साइन एट बाय टू फोर एक्स कॉस दिस माइनस दिस टू एक्स बाय टू दैट इज एक्स ओके अब यहां से ये कैंसल टू कॉस फोर एक्स कॉस एक्स इज लेफ्ट अब राइट हैंड साइड ले लो हाँ जी कॉट एक्स कैसे लिखेंगे कॉस एक्स बाय साइन एक्स टू कॉस एक्स जो गए दोनों को प्लस फोर एक्स और साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स जो गए दोनों के आंसर सेम आ गए तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ओके जी चलो लेट अस डू नाउ द 16th क्वेश्चन 17 ऑल आर सेम योर होमवर्क इज टू बिल्कुल जी 21 तक सारे क्वेश्चन सेम है योर होमवर्क इज टू ट्राई दीज क्वेश्चन करके आओगे ऑफलाइन बच्चों की कॉपीज मैंने यहाँ चेक करनी है ठीक है नो एक्सक्यूज मैम हुआ नहीं ट्राई करो गलत होता है होने दो आई विल चेक इट ठीक है बेटा यहाँ पर एक एक के बच्चे के पास जाके आई विल चेक योर कॉपीज ट्राई करो गलत होता है होने दो कोई बात नहीं अभी गलती बाद में देखना ठीक हो जाएगा ठीक है बेटा जी चलो लेट अस डू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता है ये कर लोगे फॉर्मूला आगे रखना याद करके अप्लाई करो तभी होगा ठीक है बार बार अगर साइड पे रख के बार बार देखोगे तो आपको पेपर में वही प्रॉब्लम आएगी ठीक है बेटा चलिए लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 22 ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 को 22 को कैसे करेंगे मैंने ये एग्जांपल के टाइम पे भी बताया था हाँ जी cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1 कोई बता सकते हैं मैंने कुछ इसका ट्रिक बताया था बिल्कुल मैंने उस दिन भी बताया था अगर तीन एंगल्स हैं तीनों में रिलेशन है कैसे देखो 3x है एक 2x है और एक x है मैं 3x को ब्रेक कर सकती हूँ 2x plus x और या तो tan वाले हो या सारे cot वाले हो तो स्टार्ट बता कैसे करना है आप लोगों ने स्टार्ट विद मेरे पास हो गए cot 3x cot 2x plus x ठीक है जी cot ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है अप्लाई कर दो मेरे पास जो है कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो मेरे पास जो है कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है कॉट बी कॉट ए आगे कॉट बी माइनस कॉट ए ये याद रखना है बस कि पहले कॉट बी आना है जो नॉर्मली बच्चे वो ले जाते हैं और भूल जाते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ फर्क पड़ता है प्लस वाले में नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है वी विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन टुमारो बट डू योर होमवर्क सो दैट कोई हमें प्रॉब्लम ना ओके